काफी टाइम के बाद और आज जो है शेफ का काम करेंगे जुनेद, क्योंकि बात है सी फूड की। हम बनाने जा रहे हैं क्रैब और ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फूड स्ट्रीट में ट्राई किया था रेड चिली क्रैब है ना, और वो बहुत मज़ेदार था, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि आज इसको हम घर में बनाते हैं। तो देखते हैं कि जाता कैसा है और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। चीज़ें मैं रेडी करके दूँगी जुनेद को, पकाएंगे जुनेद। तो जनाब ये है कि मैं चीज़ें रेडी करके दूँगी जुनेद को और पकाएंगे आज जुनेद। जुनेद बहुत मुश्किल से खड़े होते हैं किचन में आकर। मैंने पहले ही इनको कह दिया था कि हम लेके जाएंगे लेकिन पकाएंगे आप, तो लेट्स सी कि कैसा बनता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब पहले हम इसकी कर लेते हैं क्लीनिंग। ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलाया हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था इसको साफ़ करने में। आपने इसकी जो लेग्स हैं उसको ट्विस्ट कर करके आप निकालते जाएं। ये बहुत आपको थोड़ा सा एहतियात से डील करना पड़ेगा क्योंकि शेल इसका बड़ा ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे ना तो टूट जाएगा। इसको आप यहाँ से बीच से खोलेंगे फिर, और इसमें से थोड़ा सा पानी वानी जो भी निकलेगा आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, निकाल लें, और फिर आप इसको सेंटर से पकड़ के ना शेल को अलग कर लेंगे। अभी देखिएगा अभी जो करेंगे ये, और इसको जब आप इस तरह से खोल लेंगे तो जो साइड्स पे नज़र आ रहे हैं ये गिल्स हैं, ये खाने वाले नहीं हैं, इनको भी आप लोगों ने निकाल देना है। और जो उधर शेल में आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा है वो भी कुछ फेफड़े वेफड़े हैं, पता नहीं क्या चीज़ें, वो भी आप लोगों ने निकाल देनी है, वो सब खाने वाली नहीं है। इस तरह से इसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। जस्ट जो उसका मीट है ना साइड्स पे वाइट वो रहने देना है, ये खाने वाला है। और इस तरह से इसको साफ़ करके आपने अच्छी तरह पानी से धोना भी है ताकि जो भी हल्का फुल्का साइड पे कुछ लगा हुआ है वो सब साफ़ हो जाए। और इस तरह से जुनेद ने बड़ा खैर बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, मुझे तो देख के कुछ हो रहा था। इसको आप चाहें तो आप हाफ़ कर लें, चाहे तो आप इस तरह से रहने दें। हमने साफ़ कर लिया था कि ज़रा अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये हमने खुद YouTube पे पहले वीडियो देखी थी क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम खुद घर में पका रहे थे। और अब आप देख लें ये इस कर रहे हैं जुनेद ऐसे इसको साफ, और अब जुनेद करेंगे शेल साफ। अच्छा, जो इसकी जो लेग्स हैं उनमें कोई ऐसा गंध होता नहीं है। आप उसको जस्ट इस तरह से अलग करके चाहे तो बीच से हाफ़ कर लें और उनको हल्का सा ना आपने जैसे भी जो इनका जॉइंट जो बना होता है इससे इस तरह से अलग करके इनको आप इनके ऊपर हल्का सा जैसे किसी चीज़ से, जैसे ज़्यादातर जो हमारे पास कुंडी होती है कूटने के लिए मसाले वगैरह उसके जो ऊपर का होता है स्टोन, उससे आप उसको कूट के थोड़ा सा इनको हल्का सा करें ताकि जो आप जब इसको पकाएंगे तो जो ग्रेवी है वो सारी इसके अंदर थोड़ा बहुत टेस्ट उसका अंदर चला जाए, क्योंकि यूँ अंदर तो इसमें नहीं जा सकता। अभी आप देखिएगा आगे जुनेद इसको करते हैं। और ये जो आप इनको इनके नेल्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ये पूरे आपने काटने, और आगे बल्कि जो ये इनके पाँवों पर बाल से आपको नज़र आएंगे ये भी पूरा आपने कैंची से काट लेना है सारा का सारा। और अब ये हमारे इंग्रेडिएंट्स सारे रेडी हैं। ये मैंने इनको उबाल दिया था सोयाबीन को, तो क्या कहते हैं उसके बाद इनका पेस्ट सा थोड़ा सा बना लें। और ये सब धो के अब साफ़ सुथरा हो गया और अब हम इस कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, आखिर थका देने वाले काम के बाद हम जुनेद ने साफ़ कर लिया है इसको, और जुनेद फाइनली अब अपने आप देख लें गेटअप में आ चुके हैं कुकिंग के और अब हम पकाना शुरू करते हैं। साथ साथ हम रेसिपी फॉलो कर रहे हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी करीब से भी कि कैसा जा रहा है, और लेट्स होप कि अच्छा बने। तो सबसे पहले लहसुन अदरक मिर्चें और प्याज जो है हम उसको कर लेंगे ग्राइंड, सोयाबीन भी इसमें साथ ही डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे, और ऑयल में हम डालेंगे बटर, और ये पूरा पेस्ट हमने इस टाइम इसमें डाल दिया है। ये सोयाबीन की वजह से इसका कलर कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा है, और इसको अब हम ऑयल ऊपर आने तक भूनेंगे। और हमने शुरू में ही गलती कर दी है बहुत बड़ी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो है गड़बड़ हो जाती है। तो आज अभी गड़बड़ी हुई है कि मैंने असल में 3-4 रेसिपीज देखी थी और मैंने दो को मिक्स कर दिया, मैंने बटर डाल दिया एक में और जो हम रेसिपी फॉलो करें उसमें हमने बटर नहीं डालना था। तो फाइनली अब हमारा ये ग्रेवी जो हमारी थोड़ी गाढ़ी होगी
तो फिर इसमें हम जो है डालते हैं, बाकी इसका कितना खूबसूरत बनेगा पता नहीं, हमारा कैसा बनेगा। टेस्ट की जिम्मेदारी अब नहीं, तुम पहले कर दो। नहीं सुने, जिसका हाथ जा रहे हैं अंदर नाम उसी का। मेरा हाथ सिर्फ हिलाने में। और इस टाइम इस कदर ये जो है ना क्रैब की बदबू बहुत है, ये फ्रेश नहीं है, हमें चाहिए थे जिंदा वाले। हाँ जिंदा वाले तो हम कभी भी ना ला सकते। सुने क्यों वो उन्होंने बंद किए, मरवा के लाते हैं उन्हें। शगल शैलन का वैसे खूबसूरत बहुत है, लेकिन करीब करीब से किसी को क्या पता चल रहा है, इधर करीब करीब तो फिर मैं उसको ये जो इनका मेरे ख्याल से डंग होता है जो काटते हैं, जिससे डंग तो नहीं ये पाँव है इनके, इनके जो पाँव है ना जिसमें इनके बाल हैं, आपने इनको लाजमी काट देना, हम भूल गए थे, शुक्र है मैंने देख लिया, वरना हम ये भी खा रहे होते। हाँ ये आपने काट देने लाजमी। अच्छा देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई, बल्कि दो तीन चीज़ें बताना भूल गई स्टार्ट में, आप में इसमें आपको ये भी ज़रूरत है चिली सॉस की, मैं स्टार्ट में लगा दूंगी लेकिन फिर भी एहतियातन बता रही हूँ, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल है चिली सॉस, केचप और ये कायमी पेपर, इसका अल्लाह करे मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश की ज़रा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी ही है, तो ये काफ़ी पुरानी हुई है, इसमें से हम अंदर से थोड़ी सी निकाल लेंगे क्योंकि बहुत थोड़ी सी डलनी है ये, बस देखिए सारे कर देता हूँ। सो अब जब ये थोड़ा सा भुनने लगेगा सालन, तो इसमें फिर हमने जो क्रैब धो के रखा हुआ है वो डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कायनी पेपर, और ये है सारा। इसकी आवाज़ वैसे इतनी मज़े की थी जब मैंने इसको अंदर डाला था, मैं आपको सुनवाती हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आप में से किस किस को सी फूड पसंद है और किस किस ने क्रैब ट्राई किया है, और जो लोग सिंगापुर में उन्हें बताना है कि रेड चिली क्रैब किसने ट्राई किया। हमने ट्राई किया था चाइना टाउन की फूड स्ट्रीट में, और कैसा था? बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो था फ्रेश इसलिए कि उन्होंने जिंदा रखा था और साथ ही उन्होंने पकाते दिया था। हाँ और उसके उसके हमने व्लॉग भी बनाया था उसका, अगर आप जो लोग नए सब्सक्राइबर्स आए हैं अगर आप लोग चाहें तो मेरी वीडियोज में जाके देख सकते हैं, या मैं तो पिन कर दूंगी वो वीडियो जो क्रैब वाली है, जो क्या कहते हैं हमने वहाँ पे चाइना टाउन में जो है फूड व्लॉग जो बनाया था उसको, क्रैब जो हमने ट्राई किया था वो बहुत मज़े का था। क्रैब डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और उसके बाद आप इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम ढक के रख देंगे, और फिर बाकी इसमें हम चीज़ें डालेंगे। खुशबू वैसे अच्छी आ रही है इसमें से आपको। चुके हैं 10 मिनट्स और अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये हुआ है कैसा। तो इस स्टेज पे अगर आप लोग प्रेफर करते हैं ग्रेवी जुनेद करते हैं लाजमी, तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप हमने डाला है पानी का, हमने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर ली है, पर अब देखते हैं कि ये अंदर जा रही है, तो मिलाएंगे अच्छी तरह से। तो सॉस डालेंगे वो आपने अभी 10 मिनट और ये पकेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून केचप, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चीनी सॉस। अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और साथ में ही जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था 1 टेबलस्पून उसको हम पानी में मिला के थोड़े से वो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए गाढ़ी, और अंडा भी हम फेंट के रख लेंगे साथ ही, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने अंडा फेंटा हुआ है उसमें आपने कुछ मिलाना नहीं है अंडे में, बस डायरेक्ट हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे, और फ़ौरन ही साथ हम चूल्हा बंद कर देंगे और अंडे को मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है सब चीज़ें डालने के बाद, और अब देखते हैं कि कैसे टेस्ट में। टेस्ट तो अच्छा है। चलिए बोलिए। तो ये हमारा रेडी फाइनली, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको भी करीब से क्लोजर लुक भी दिखाती हूँ इसकी। अब जुनेर ही चखेंगे कि कैसा है। नहीं 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 आप
बोटी चेक करते हैं इसकी। नींबू डाले और इसमें शेल होती है। रहमान नहीं देखी ये बोलती है। चलिए हम खाएं। ट्राई करना है? ना। सच में अच्छा लगा। बहुत बुरा बना था, मुझे बिल्कुल मजे का नहीं लगा था। तो फाइनली मैंने जुनैद के लिए ही बनाना था ये, क्योंकि जुनैद को बहुत पसंद है क्रैब, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस बाद में खाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं खा पाऊंगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच आपकी स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस के लिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे उसको? अपने रिस्क पर ट्राई करेंगे। नहीं सुनिए, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं अच्छा बने। फिर आप बना तो अच्छा। आप हमारी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं और अच्छा बना है वैसे। अगर कहीं से क्रैब मिल जाए पाकिस्तान में, मुश्किल ही मिलता है वैसे। हाँ, और भी यहाँ जो सिंगापुर में वो तो ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ है ना। लेकिन हमसे जो गलती हुई थी आप वो मत लीजिएगा, आप फ्रेश लीजिएगा। हमने फ्रेश नहीं लिया, हमने फ्रोजन लिया था। हाँ। तो मेरे हाथ में इसकी भी टेस्ट थोड़ा सा शायद होगा और जो लाइव वाला होगा उसको और भी मज़ेदार होगा, है ना। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये व्लॉग होता है ख़त्म। फूड ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। जितनी भी किचन ब्लॉग्स लोग बनाते हैं यार, आप लोगों को सलाम है जिस मेहनत से आप लोग करते हो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को दिखा के बातें करूँ या वीडियो में देखची को दिखाऊँ क्या दिखाऊँ। तो काफ़ी मुश्किल है रहमा इसे नहीं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ब्लॉग खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।